अस्सलाम वालेकुम, मैं मसल फातिमा। खास आप लोगों की फरमाइश पे देखिए, मैं बर्थ होकर बताया है इस वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखिए। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से साफ तरीके से मैंने बर्थ धोया है। एक एक पीस भी देखिए, मैंने इतने अच्छे से इसे धो दिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसे धो दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से धोइए, आप लोगों की फरमाइश पर मैंने बनाया है। इंशाल्लाह अच्छे से नए वीडियोस आप लोग ज़रूर बताऊंगी मैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नई सी नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। चलिए, इसका साफ़ करने का ईजी और आसान तरीक़ा बताते हैं। देख सकते हैं, आज मैं आपको बट धोने का तरीक़ा बता रही हूँ। ये 2 किलो बट है, ये देख सकते हैं आप। एक बर्तन में मैंने पानी को इतना अच्छे से गर्म कर लिया। देखिए, पानी में बॉयल भी हो रहा है, अच्छे से गर्म हो रहा है, पक रहा है। अब इस समय मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, क्योंकि गैस का फ्लेम बंद करके ही बट डालना, कभी भी याद रखिए। अगर गैस का फ्लेम ऑन रख के आप बट डाल रहे हैं तो बट ऐड जाएंगे यानी कि कड़क हो जाएगा, वो सही तरीके से साफ नहीं हो सकेगा। ये देख सकते हैं, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें ये बट डाल रही हूँ। इस तरीके से डाल के हमें इसे अच्छे से अंदर करना है ताकि सारे पानी में ये बट अच्छे से डूब जाए। बस इस तरीके से अब हम 1 मिनट के बाद इसमें निकालेंगे, फटाफट से इसे साफ करना शुरू कर देंगे। कभी भी याद रखिए, बट फ्रिज में मत रखिए, ठंडे में चलेगा तो ये नहीं निकल सकेगा। जब का जब बकरा जुबा होने के बाद आप एक साइड पानी गर्म कर दीजिए, फौरन ये ला के पानी में डाल दीजिए और फटाफट इसे साफ कर दीजिए। देखिए, ये निकलना शुरू हो गया। देखिए, बस ये देख लेना, हम अब ये निकलना शुरू होते, फौरन इसे पानी में से निकालना है। फटाफट चम्मच से या छुरी से किसी भी चीज़ से इसे साफ करना शुरू कर देना, बहुत ईजी तरीक़ा है। चलिए मैं बताती हूँ आपको साफ करने का तरीक़ा। देखिए, मैंने इसे पानी में से निकाल दिया है, मैं आपको बता रही हूँ। बस इस तरीके से छुरी या चम्मच से जल्दी जल्दी इस तरीके से हमें साफ करना है। बहुत लोग इसे आटे में लगा के रखते हैं, चूना लगा देते हैं, मतलब तो सोप करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी आप साफ कर लीजिए। बहुत देख सकते हैं आप, सारा मैंने ऊपर का देखिए काला पना निकाल दिया है, देख सकते हैं आप। अब इस समय मैं देखिए ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है, देखिए इस तरीके का, अब इसे मैं इस तरीके से ये साफ कर लूंगी। तो देखिए, बस इसे अलग कर देना है, एकदम व्हाइट। मैं इसमें चाकना बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने मोटा वाला बट मंगाया है। ये देख सकते हैं आप, फटाफट साफ हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी भी गर्म पानी अच्छा करने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ये चलिए ये देखिए, और ये देखिए कितना साफ है। बस इसी तरीके का मैं ये भी साफ कर लूंगी। मेहनत लगती है मगर बहुत अच्छे से साफ धुल जाता है ये। ये देखिए कितना अच्छा साफ धुला है। देखिए, सारा मैंने पीछे का भी देखिए साफ कर दिया है। बस अब इतना बाकी है, ये भी मैं कर लूंगी। ये देख सकते हैं आप, बर्थ धुल के रेडी है। देखिए कितने अच्छे से मैंने इसे साफ धो दिया है, देख सकते हैं ना, इसमें जरा भी कालापन नहीं है। देखिए पीछे भी मैंने कितने अच्छे से इसे धो दिया है, ये देख सकते हैं आप। हर पीस देखिए कितने अच्छे से मैंने साफ धोया है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पूरा साफ अच्छे से मैंने इसे धो दिया है। देखिए, अब इसे मैं, आप इसे बट का सालन बनाइए या चाकना बनाइए, आपकी मर्जी। चलिए, बट तो धुल के रेडी है, आप लोग भी इसी तरीके से धोइए। और हाँ, बताना ज़रूर मेरा बट धोने का तरीका भी आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।